सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के। हे व्हाट्सअप गाइस, तो फ्रेंड्स यहां पर ना मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं Redmi Note 4 डिवाइस को लेकर। यहां पर हमारे लिए जो नेक्स्ट स्टेबल के बारे में बात की जा रही है कि भाई हमें यहां पर नेक्स्ट स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगी, जो कि देखने को मिलेगी Miui 10.3.1.0 की। क्या उसमें हमें एंड्रॉयड ओरियो देखने को मिलेगा, या कह लीजिए एंड्रॉयड पाई, या उसके साथ डार्क मोड, या उसके साथ फेस अनलॉक, या ऐसे ही कुछ एक्सपेंसिव फीचर जो कि आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर अगली अपडेट में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी अपडेट है, मतलब कि यहाँ पर हमें देखने को मिलनी चाहिए बीटा अपडेट, जो कि हमें नहीं देखने को मिल रही इतने मंथ से, तो क्या हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कुछ अपडेट या नहीं। क्योंकि यहाँ पर Miui 10.3.1.0 की जो स्टेबल अपडेट है उसके बारे में काफ़ी बातें हो रही है कि भाई वो बहुत जल्द हमारे लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर डिटेल के साथ आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। यार अगर तो वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए इंट्रो प्लीज। तो यार यहाँ पर बात कर लेते हैं Miui 10.3.1.0 की। तो भाई यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा पास में लेकर चलूँ तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे लिए जो लास्ट स्टेबल अपडेट रही है वो है 2.4.0 की, मतलब कि वो सभी यूज़र्स को नहीं देखने को मिली, आप सभी लोग जानते हैं। क्योंकि वो जो स्टेबल है उसमें कुछ बग वगैरह आ गया था, कि उसमें क्या कुछ हो गया था जिसकी वजह से वो जो अपडेट थी वो हमारे लिए सस्पेंड कर दी गई थी, मतलब कि वो यूज़र्स को देखने को नहीं मिली। और उसके बाद बीटा अपडेट तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे लिए इतने मंथ से सस्पेंड है, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पर ये बात करने से मिल तो जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो Xiaomi है वो हमें जलील कर रहा है। तो यहाँ पर भाई मुझे एक सवाल काफ़ी आया 2-3 मंथ में, तो भाई यहाँ पर ये 2-3 मंथ पहले हमें ये जो अपडेट 2.4.0 की मिली थी कि भाई ये हमें दोबारा से मिलेगी या नहीं, तो बेसिकली भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट है ये अब आपको नहीं देखने को मिलेगी, अब आपको डायरेक्ट 3.1.0 की अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही दिन में। तो यहाँ पर भाई सवाल आ जाता है कि हमें यहाँ पर एंड्रॉयड ओरियो देखने को मिलेगा या नहीं, या उसके साथ डार्क मोड या एंड्रॉयड फेस अनलॉक। भाई यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमें यहाँ पर कुछ छोटे मोटे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं जो कि 3.1.0 में, उसके साथ हमें एंड्रॉयड ओरियो नहीं देखने को मिलेगा, ना तो हमें डार्क मोड देखने को मिलेगा और ना ही हमें फेस अनलॉक देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ भी जब आता है वो बीटा में आता है, तो बीटा हमारे लिए आ ही नहीं रही, तो हम कैसे गैस कर लें कि भाई हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिल जाएगा, और ऑब्वियसली हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। और उसके बाद भाई यहाँ पर बात आ जाती है कि ये जो अपडेट है 3.1.0 की ये कब तक रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें ना तो 2-3 मंथ से हमें यहाँ पर देखने को मिली है, और मतलब कि यहाँ पर स्टेबल अपडेट हो तो 5-6 महीनों से हमें ओरियो भी नहीं देखने को मिली। तो यूज़र्स हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए होंगे कि भाई हमें यहाँ पर अपडेट देखने को मिलने वाली है। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो अपडेट है ये आपको देखने को मिल जाएगी मई की 15 डेट तक, या 17 डेट तक, या 22 डेट तक, यहाँ पर आसपास ये रोलिंग आउट होते हुए आपको स्टेप दिख जाएगी। तो भाई यही इन्फॉर्मेशन थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी इस वीडियो में। अगर तो यार वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर तो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।